नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित शर्मा और आप देख रहे हैं मैड मैकेनिक चैनल। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी पुरानी गाड़ियों के या नई गाड़ियों के डैशबोर्ड के जो साउंड वाइब्रेशन जो साउंड आते हैं वो कैसे कम कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू। तो पुरानी गाड़ियों में बेसिकली होता है कि प्लास्टिक के पैनल्स होते थे या लोहे के पैनल्स होते थे, लेकिन अंदर जो है उसके अंदर फोम वगैरह नहीं लगे होते थे, या नॉर्मली जो फोम आते हैं या प्लास्टिक फोम आते हैं तो वो फोम नहीं लगे होते हैं, जिसकी वजह से जब प्लास्टिक और मेटल आपस में टकराते हैं वाइब्रेशन के कारण तो उससे जो साउंड आता है तो उसके कारण काफ़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये प्रॉब्लम सिर्फ इंजन जब लो आरपीएम पे रहता है, जब 1000 आरपीएम से नीचे रहता है तभी ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, या गाड़ी काफ़ी हाई स्पीड में हो या गाड़ी किसी ऑफ रोडिंग या ख़राब रोड जगह पे हो तो ये साउंड आता है। तो चलिए मैं आपको अपनी मारुति 800 का वाइब्रेशन दिखाता हूँ, और जैसे ही मैं डैशबोर्ड को थोड़ा सा पुश करूँगा ये बंद हो जाएगा, लेकिन वैसे ये लो आरपीएम पे काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट करता है। तो लो आरपीएम पे जो है काफ़ी ज़्यादा ये वाइब्रेट करता है गाड़ी, ये डैशबोर्ड्स आवाज़ कर रहा है, पीछे की डिक्की में जो स्पीकर एक्स्ट्रा लगे हैं वो आवाज़ कर रहे हैं इसकी वाइब्रेशन से। तो लो आरपीएम के कुछ नुकसान है तो कुछ फ़ायदे हैं। फ़ायदे ये हैं कि अगर आपकी गाड़ी का कोई पार्ट ढीला है तो उसमें ये पता चल जाएगा, जैसे ही आप हल्का सा एक्सीलेटर लेंगे ये साउंड बंद हो जाएगी, या इंजन 1000 आरपीएम पे आते ही ये बंद हो जाएगा साउंड। अगर लो आरपीएम पर आप एसी ऑन करते हैं, जैसे देखिए मैंने एसी ऑन किया तो ये अब ज़्यादा वाइब्रेट कर रही है और ये इंजन बंद हो गया। तो बेसिकली करना ये है आपको कि जब भी आप अगर आपका डैशबोर्ड खुला हो या अगर कोई पार्ट ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा हो तो आपको उसके बीच में करना है, या आपको रबड़ लगवा के, जैसे रबड़ वॉशर्स आते हैं वो लगा के आप उसे टाइट कर सकते हैं, जिससे ये जो वाइब्रेशन से साउंड आ रही है ये ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन अगर ये कंटिन्यू आ रहा है तब आप रबड़ और प्लास्टिक फोम दोनों यूज़ कर सकते हैं। डैशबोर्ड के अंदर अगर कंटिन्यू साउंड आ रहा है तो आप डैशबोर्ड के दूसरे साइड यानी अंदर से उसमें आप प्लास्टिक फोम चिपका सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास आप ज़्यादा एक्सपेंसिव खर्च नहीं करना चाहते हैं तो आप थर्माकोल यूज़ कर सकते हैं, जो कि किसी भी क्राफ्ट या बच्चों की स्टेशनरी वगैरह दुकान पे मिल जाएगा आपको आसानी से। आप उसके पतली पतली स्लाइसेस काट के किसी भी चीज़ से, टेप से या 3M टेप आता है, डबल टेप, आप उससे चिपका सकते हैं, जिसकी वजह से जब आप उसे दोबारा टाइट करेंगे तो लो आरपीएम पे जो साउंड आ रहा है ये नहीं आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।